नमस्कार। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर सामने निकल कर आ रही है। मुकेश भाकर अब यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। पहले सुमित बगासरा चुनाव जीत के यूथ अध्यक्ष बन गए थे। दरअसल पहले जब रिजल्ट आए थे तो उसमें सुमित बगासरा कांग्रेस यूथ अध्यक्ष बने थे, लेकिन उन नतीजों पर कई प्रकार के सवाल खड़े हुए थे। अब दोबारा मतगणना का प्रोसेस शुरू हुआ। जब ये प्रोसेस पूरा हुआ तो उसमें सामने निकल कर आया कि मुकेश भाकर जो लाड़नो से विधायक है वह विजय हुए हैं। तो यहां पर काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है और राजस्थान की राजनीति से जुड़ी यह अहम और बड़ी खबर भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि परिणामों को लेकर अभी भी उंगली उठ रही है कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। पहले सुमित बगासरा प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बन गए और अब खबर आ रही है कि मुकेश भाकर जो लाड़नो से विधायक है वह यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं अब भी सवाल है वो खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे चूक हो गई पहले, और जो परिणामों की गिनती हुई थी उनमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं। खबर से राजस्थान की राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि पहले खबरें आई थी कि यूथ कांग्रेस प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित बगासरा बन गए हैं, लेकिन अब जो खबरें आ रही है कि दोबारा जो गिनती हुई उनमें मुकेश भाकर प्रदेश के युवा अध्यक्ष बने।